बिना अंगूरी आटा, बिना झंझट और कम टाइम में बनाएंगे आज सोहन हलवा की रेसिपी। तो आप देख सकते हैं बिना बिगड़े बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बोल लेना होगा, तो इसमें लेना है हमें 4 चम्मच मैदा। तो फ्रेंड्स आप घर की चम्मच यूज कर सकते हैं। तो 4 चम्मच मैदा के लिए हमें 4 ही चम्मच मिल्क पाउडर चाहिए। तो जितना मैदा लेंगे उतना ही हमें मिल्क पाउडर चाहिए। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे ही, और इसे साइड में रख देंगे। अब जमाने के लिए हमें कटोरी या मोल्ड जो भी आपके पास है वो ले सकते हैं, सिलिकॉन का मोल्ड है तो वो ले सकते हैं, और नहीं तो ये कटोरी इस तरह की हो, और इन्हें ग्रीस कर लें। तो फ्रेंड्स हमने ये कटोरी किसके लिए है तो वो बाद में बताएंगे। तो अच्छे से ग्रीस कर लें। उसके बाद ड्राई फ्रूट लेने हैं हमें, तो काजू और बादाम लिए हैं। तो दो दो पीसेस में कट कर लिए हैं काजू बादाम को। तो ये हरे कलर के हमने कलर कर दिया है, ये पिस्ता नहीं है। अगर आपके पास पिस्ता है तो वो जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हैं वो ले सकते हैं। तो इन कटोरियों में इस तरह से लगा देंगे सारे ड्राई फ्रूट। तो हमने लगा दिए हैं इस तरह से कुछ। तो अब चलेंगे गैस की तरफ। तो गैस पर हमें एक कढ़ाई रखनी है, तो उसमें 1/4 कप घी ऐड करना है। तो देसी घी ऐड करना है फ्रेंड्स। तो घी मेल्ट होने के बाद इसमें 1 कप चीनी ऐड करेंगे और लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे। जब तक हमारी चीनी घुल नहीं जाती है तब तक हमें इसी तरह चलाते हुए लगातार पकाना है। तो फ्रेंड्स टाइम तो लगता है लेकिन सोहन हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा इस तरह से। तो इसी तरह से हमें चलाते हुए पकाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये चिपक जाती है नीचे इसलिए। तो चीनी हमारी घुल के तैयार है, अब इसे निकाल लिया है हमने गैस से। तो उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मैदा और मिल्क पाउडर। जो मिल्क पाउडर मैदा मिला के रखा था वो, और इसे जल्दी जल्दी इसी तरह से मिलाना है, बहुत ही जल्दी, नहीं तो ये सेट होने लगता है। तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बहुत ही जल्दी, जितनी जल्दी आप मिला सकते हैं चला सकते हैं उतनी जल्दी चलाएँ। तो इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से मिल चुका है। और उसके बाद इसे करेंगे कटोरियों में सेट, जो हमने ग्रीस करके रखी थी उन्हें बहुत ही जल्दी इसे सेट करना है, नहीं तो ये कढ़ाई में ही सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 1 चम्मच इसमें ऐड कर देना है और ख़ुद ही ये सेट हो जाता है। अगर सेट नहीं होता है तो बाद में चम्मच से आप सेट कर सकते हैं। तो सभी कटोरियाँ इसी तरह से हमें फिल करनी है। तो आप किसी की मदद भी ले सकते हैं अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। इसलिए अगर नहीं है कोई घर में तो इसे दोबारा से गर्म कर सकते हैं और उसके बाद कटोरी में सेट कर दें इस तरह से, और बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। और ठंडा होने के बाद इसे निकाल लेंगे बहुत जल्दी। तो सभी कटोरी सेट हो गई हैं, हल्की सी गर्म है तब भी हमने छुड़ाया है। ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं, थोड़ा सा दबा दो किनारे से, नहीं निकल रही तो चाकू से निकाल सकते हैं आप, इस तरह से दबाने से निकल आती है। अब हम बताते हैं फ्रेंड्स ये कटोरी किसकी है। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये स्टील की मसालदानी है, उसी की कटोरी हमने निकाल ली थी, क्योंकि मोल्ड होता नहीं है सबके पास, तो हमारे पास भी नहीं था इसलिए हमने कटोरी वो निकाल ली है। देख सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनाता है, एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा। तो मिलते रहेंगे ऐसी ही नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।